नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, यह घटना हर हाल में होकर रहेगा, कोई भी से नहीं डाल सकता। जी हाँ दोस्तों, चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, फिर भी नहीं डाल पाओगे। तो ऐसे में दोस्तों, आखिर क्या बड़ा चमत्कार होगा, क्या बड़ा घटना होगा आज के दिन, हम उन सभी के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों ध्यान दें, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा है। दोस्तों, दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है, सावधान, क्योंकि अब खेल पलट चुका है। महासंयोग का निर्माण हो चुका है कुंडली में। और साथ में दोस्तों जानकारी की आपको हम बता दें कि भगवान बनकर आ रहे हैं यह तीन लोग आपके घर दोस्तों। और अब आपके जीवन काल के कहे कि आपके रुके हुए जिंदगी में अब चमत्कार होने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी से सभी प्रकार की समस्याओं का खत्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ समय स्वयं भगवान बनकर, यूँ कहें कि स्वयं भगवान का ही भेजा हुआ यह तीन लोग आपको ऐसे तरक्की लेकर आने वाले हैं, जिसे दोस्तों आपको वहाँ से नीचे होना नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पर आपके दुश्मन भी ऐसे में आपको कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मित्रों ये जो तीन व्यक्ति है स्वयं ईश्वर के अनुसार ही भेजे गए दिव्य शक्तियां होंगे। भेजे गए तीन ऐसे लोग होंगे जो कि आप कुछ पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें दोस्तों, आपकी बुलंदियों को देखकर लोग आपको सहारा ना करने वाले हैं। दोस्तों, लोग आपको अपना इंस्पिरेशन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे में आपका भी फर्ज होता है, आपका भी कर्तव्य होता है। इतने बड़े और सुंदर मुंह के जब आपके पास हो दोस्तों, ऐसे में आप कोई भी गलतियां ना करें। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है, इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियां को जानेंगे कि जो बदलते ग्रहों के साथ आपके यह तीन व्यक्ति किस क्षेत्र में मिलने वाली है, कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य ऐसे में आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों को लेकर आपको यह समय सावधान रहना होगा, और साथ ही आपको अपने जीवन काल में कौन सी बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। दोस्तों, घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में क्या बड़े चमत्कार होने वाले हैं, यह सब जानने के लिए आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। परंतु उससे पहले जो भी माता दुर्गा जी के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, बाबा सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक प्रदान करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी लिखे का माता रानी तथा गुरुजी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने इस अद्भुत अविश्वसनीय ज्योतिषी फल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे दोस्तों समय समय पर आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सके। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए ही वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक दोस्त सर्वश्रेष्ठ अनमोल वचन से, परंतु आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि दोस्तों हर एक बात को जरा गौर से सुनिए का। दोस्तों, कर्मकांड थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर स्मठ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करे, तथा जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद का बर्बाद हो जाए, इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हाँ दोस्त, तो भगवान श्री कृष्ण जी कह है कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य की ही सदैव जीत होगी।
दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो चलिए मित्र, इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि सीवान, दोस्तों क्या आपसे लोग जलते हैं? कुछ तो खास बातें होंगे आप में, तभी तो लोग आपसे जलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो है एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा कार्य करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुतबे को देख कर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। जी हाँ दोस्तों, और आपके ऊपर बढ़ाने के आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि दोस्तों वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारण वश बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दे, आपके दुश्मन आपको नीचे करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम मानते हैं कि आपको हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोस्तों लोगों को आपसे लेना देना है। आपको वह चैन से जीने नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी सफलता सामने वाले व्यक्ति के दिमाग पर उनकी आंखों में खटक रही है। दोस्तों आपको हम बता दें कि कुछ लोग इतने पागल हो जाते हैं, क्या आपको बर्बाद करने की कसमें खा लेते हैं। दोस्तों इस तरह व्यक्ति या सोते हैं कि हम खुश रहें या फिर ना रहे, लेकिन हम आपको भी खुश नहीं रहने देंगे, ऐसे कसमें खा लेते हैं। इस तरह के लोग दोस्तों, हमारा भगवान से विनती है कि आपको ऐसे लोगों से बचाए। जी हाँ दोस्तों, आगे हम आपको और भी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताएंगे, उनको भी सुना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों आगे आप इस वीडियो में जानेंगे कि जो लोग जलते हैं आप उनसे मुक्ति कैसे पा सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति जो आपको नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके उसे षड्यंत्र में खुद उसको ही कैसे भाषाएं, यह सारी जानकारियां हम आपको आगे बताएंगे। बस अनुरोध है कि वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, अगर यहां तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा। तो साथ ही में दोस्तों आपको हम बता दे, क्या समय माता दुर्गा तथा माता कालिका जी का आशीर्वाद से आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होगी और कुछ ऐसे तोहफे भी आपको मिलेंगे जिसे देखकर आपके आसपास के लोग जल उठेगा कि आखिर इसको इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई? आखिरी इसमें ऐसा क्या कम किया था जो कि इसको विधाता ने इतनी बड़ी तोहफा दी है? यह सब विचार आपके आसपास के लोग करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि परिवार से संबंधित कोई मुद्दा आपसी सहमति से सुलझ सकता है, घर के रखरखाव या बदलाव की योजना बनी है तो उसको कार्य रूप देने के लिए विचार विमर्श होगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तथा आपसी संबंध में टकराव होने से किसी मित्र पर शक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपका बहन की होगा। अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा संपर्क न बढ़ाएं, किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें, वरना आपकी जगह सही हो सकती है। और हाँ, व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष करने की जरूरत है, हालांकि आप भी गंभीरता और संजीदगी से परेशानियों का हल निकालेंगे। कामकाजी महिलाओं को परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाए रखने में दिक्कत रहेगी, ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहे, प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ होंगे तथा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। तथा मित्रों, जिन बातों पर ध्यान देते हुए आप निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं
उनसे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। लक्ष्य हासिल करने के लिए किए गए प्रयत्न सफल होंगे। कुछ दिनों के बाद निर्णय आपके पक्ष में होगा जो आपको प्रसन्नता देगा। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से उत्साह बढ़ेगा। अपनी कमजोरी दूर करने में सफल रहेंगे। आलस और मौज मस्ती में ज्यादा समय नष्ट न करें। कोई मनचाहा काम पूरा होने से शांति और प्रसन्नता मिलेगी। विरोधी पक्ष आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है तथा वरिष्ठ लोगों की राय और मार्गदर्शन सर्वोपरि रखें। अगर कोई पूछता ही नहीं, जमीन जायदाद संबंधी काम रुका हुआ है, तो आज का कोई हल निकल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य से संबंधित योजनाएं बनेंगी। आपसी संबंधों में मधुरता तथा घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से कुछ तनाव जैसी स्थिति महसूस होगी। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी नकारात्मक स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। गुस्से और आवेश पर काबू रखें। और हाँ, व्यवसाय स्थल पर किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे, साथ ही कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में किसी लापरवाही की वजह से उच्चाधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। और इसी के साथ दोस्तों पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव की वजह से तकलीफ हो सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की कोशिश करें। निवेश सोच समझ कर करें। परिस्थिति जटिल होने के बाद भी धैर्य बनाए रखना होगा तथा बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून और नई ऊर्जा मिलेगी और आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान पाएंगे। अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपका काम हल हो सकता है तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। इसकी वजह से नजदीकी व्यक्ति से संबंध खराब हो सकते हैं। किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर चिंता रह सकती है। और हाँ, फोन के माध्यम से आपके व्यवसाय कार्य संचालित हो जाएंगे। पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन मशीनरी या लोहे से संबंधित व्यवसाय में दिक्कतें आ सकती है। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न करें तथा दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। घर में अनुशासन पूर्ण वातावरण रहेगा। लव अफेयर के मामले में खुद को लकी महसूस करेंगे। मित्रों के साथ चल रहे लेनदेन में पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है। आपको अपनी समस्या का हल प्राप्त होगा, फिर भी विश्वास की कमी के कारण काम करने से बचेंगे। यदि बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो काम करने पर ध्यान दें। परिणाम आपके पक्ष में आएंगे तथा विदेश जाने के लिए इच्छुक लोगों के लिए उचित संभावनाएं बन रही है। अपना हर काम योजनाबद्ध तरीके से करना और अपने कार्यों के लिए एकाग्र होना आपको सफलता देगा। कुछ नजदीकी या दूरदराज की यात्राएं होने के योग्य बन रहे हैं, जो कि लाभदायक साबित होंगे। और मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। आपकी किसी व्यक्तिगत बात को लेकर परिवार में कोई तनाव हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने स्वभाव के लिए आत्मचिंतन अवश्य करें। विद्यार्थी अपनी शिक्षा के लिए लापरवाही ना बरते तथा समय अनुकूल है। आपके काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा संबंध कार्य करने में आपकी रुचि रहेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। सरकारी सेवारत लोगों को पब्लिक डीलिंग करते समय विशेष ध्यान रखना होगा, लेकिन दोस्तों परिस्थिति से न भागे, हालात का डटकर सामना करें। किसी व्यक्ति का साथ न मिलने से तनाव और अकेलेपन रहेगा। यही बातें आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना रही है और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तैयार करेंगे। लोगों की आलोचनाओं ना डरे तथा आज आप सामान्य से अर्ध एक भावनात्मक है, दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। कार्यस्थल पर कार्य का दबाव रहेगा, जिससे थकान का अनुभव करेंगे। कुछ कार्य सहकर्मियों को दे दे या कल के लिए बचा रखी। काम थोड़ा भले ही करे, लेकिन गुणवत्ता बनाए रखे। आज किसी खास व्यक्ति के साथ स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। और इसी के साथ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो दोस्तों आज का दिन आराम के नाम कर दें।
काफी संभावना है कि आप आज का दिन खुद की अतिरिक्त देखभाल में बताएं, अपने लिए एक ब्यूटी फैशन बुक करें या स्पा की सेवाएं ले। आज यह काफी प्रभावी होगा, आप बहुत जल्दी चमकते हुए और ग्लैमर्स देखेंगे। आपके आसपास सभी लोग आपके इस ब्यूटी और वेलनेस सेशन के बाद आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो आप भगवान के द्वारा बनाए हुए अद्वितीय और विशेष है और किसी को आपके बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसे महसूस करते हैं तो सूक्ष्म कोमलता और शान से अपने कार्यों से अपना जवाब दीजिए। स्थिति में एक मोड़ आएगा, आपका साथ ही आपको समझाएगा। वर्तमान में आपका प्यार परिवेश के कारण व्याकुल है, लेकिन जब कठिन स्थिति आएगी तो आपके साथ ही को आपका महत्व पता चलेगा। और हाँ, इसी के साथ कैरियर और धन राशिफल आपको इस बात का आभास नहीं है कि आपके सहकर्मियों को कितनी चिंता और तनाव से गुजरना प्रदेश रहा है। अपने समय को बचाने की बजाय उनकी चिंता को समझना आपके लिए आज ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप फिर भी बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कढ़ाई से सबक मिल सकता है। आपको एक नए घर का स्वामित्व मिल सकता है तथा अपने सृजनात्मक विचारों को कार्यान्वित करने का यह बहुत अच्छा समय है। अपने विचारों को बड़ा रखे तथा किसी बौद्धिक या व्यवसायिक प्रशिक्षण में हिस्सा ले, इससे आपको और ऊपर बढ़त हासिल होगी। हालांकि ऐसा करते हुए आपको कुछ वित्तीय परेशानियां आ सकती है तथा आज पेट में खराबी होने की काफी आशंका बनी हुई है। आपको पीने का पानी और अन्य तरल पदार्थों के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पानी से उत्पन्न न बीमारियों की आशंका बनी हुई है। आपको संक्रमण भी हो सकते हैं, इसीलिए आज बाहर के अस्वास्थ्यकर खाने से भी परहेज रखें। आपको मुंहासों की समस्या भी हो सकती है, परंतु वह समय से ध्यान देने के बाद ठीक हो जाएगा। आज का दिन अपने प्रयासों को तेज करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे अच्छा समय है। आप अपनी परियोजना के सफलतापूर्वक अंतर के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए आपका TTDC मेहनत करेंगे। आपका संकल्प और अच्छे प्रयास बर्बाद नहीं होंगे और आप निकट भविष्य में अच्छे फल की उम्मीद कर सकते हैं। आपको इस उद्यम में अपने परिवार का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। और हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि लाभदायक समय है, इसका उचित सदुपयोग करें। कोई शुभ समाचार मिलने से आत्मविश्वास और नई ऊर्जा महसूस करेंगे। किसी भी काम में घर के वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह जरूर अमल करें, उनके मार्गदर्शन में आप कोई भी खास निर्णय लेने में काफी सहज महसूस करेंगे। तथा लेनदेन या पब्लिक डीलिंग करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना नुकसान दे सकता है, कुछ पारिवारिक कारणों से बच्चे अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे, कुछ समय उनके साथ व्यतीत करना जरूरी है। व्यर्थ की आवाजाही से परहेज करें तथा में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखना जरूरी है। इस समय आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह आपकी कार्यक्षमता और मेहनत से हासिल हो जाएगा। ऑफिस से संबंधित काम में आपका विशेष योगदान रहेगा। और हाँ, परिवार वालों के बीच आपसी तालमेल से घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां रहेंगी तथा निरंतर काम करते रहने से नसों में खिंचाव और दर्द हो सकता है। खेताराम भी ले और व्यायाम पर ध्यान दे, कोई पुरानी परेशानी हल हो सकती है। आपका साथ प्राप्त होगा इस कारण की बातों को गति मिलेगी। परिवार के लोगों को आपके लिए जो चिंता है वह कम हो सकती है तथा आज का दिन आपके मन मुताबिक तरीके से व्यतीत होगा, इसलिए सभी कार्यों की रूपरेखा बना ले। पिछले काफी समय से युवा जिस कार्य को लेकर प्रयास कर रहे थे, आज उससे संबंधित उचित परिणाम मिलने की उम्मीद है। नेगेटिव, अगर किसी को पैसा उधार देने की स्थिति बन रही है तो पहले उसकी वापसी भी सुनिश्चित करे, क्योंकि पैसा फंस सकता है। ध्यान रखें कि दूसरों के मामले में
हस्तक्षेप न करे और न ही बिन मांगे सलाह दे, वरना आपकी मान हानि हो सकती है। व्यवसाय कारोबार में छोटी मोटी परेशानियां उठेगी, लेकिन समय रहते आप उन परेशानियों का हल ढूंढ लेंगे। वर्किंग महिलाओं को पारिवारिक और व्यावसायिक कार्यों के बीच व्यवस्था बनाने में कुछ दिक्कत रहेगी। प्राइवेट ऑफिस में अपना टारगेट पूरा होने से सुकून और राहत महसूस होगी। लव घर में सुख शांति रहेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।